क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा इस बाइक का? देखो राइट में बगल में इतनी खूबसूरत कपल्स चल रहे हैं और हम ऐसे। आज का ब्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखो कौन है मेरे साथ, स्पीडी किंग हरियाणवी, यो ब्रो। तो आज हम स्पीडी कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं साकेत तक, वहाँ चलो। तो इन्होंने बता दिया क्यों जा रहे हैं हम वहाँ पे, वीडियो की शूट है वो करने जा रहे हैं। और बिंदी लगाए परमानेंट है, परमानेंट है, अच्छा लग रहा है। तो आज की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अभी फ़िलहाल हूँ सैनिक फॉर्म में, तो बाकी लोग जो है वहाँ वेट कर रहे हैं साकेत में। तो साकेत में जो वेट करने वाले लोग हैं मैं नाम बता देता हूँ, दीपक एज वेल एज डिटोरियल और सलमान बंदी का दीवाना, वो भी वेट कर रहे हैं दोनों वहाँ। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से उनके साथ मिलना है, देन उसके बाद जाना है हमें। और ये कार वाले भैया थोड़े घबरा से गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो हमें क्या, हम तो आगे बढ़ते हैं अपना। उसके बाद मैं बता दूं कि जितनी वीडियोस अभी मैं डाल रहा हूँ ना भाई, उसमें व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं, उसमें व्यूज़ आ रहे हैं भाई। एक चीज़ मैं बता दूं कि इस पर अगर ट्रिपल करने की सोचोगे तो इस पर ट्रिपल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। फिर आगे के गोटे जो है ना, सूज के गुब्बारे बन जाएंगे, पहले बता रहा हूँ ट्रिपल किया तो। हालाँकि ये सिर्फ दो लोगों के लिए ही है, तो इस वजह से ठीक है यार, कोई नहीं। बेसिकली बता दूँ कि अभी तक मुझे ये पता चला है कि इस पर गर्लफ्रेंड के लिए सबसे बेस्ट है, या गर्लफ्रेंड है तो उसके लिए ही ये बाइक है, क्योंकि उनको पूरा कंफर्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, कोई अगर अदर पर्सन, थर्ड पर्सन बैठता है तो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि सीट जो है ना बार बार नीचे की तरफ ढकेलती है। जिस तरीके से उसका मतलब सीट का पॉस्चर है वो नीचे की तरफ ही करता है, तो ये चीज़ भी अब्जॉर्ब करिए। बहरहाल चलो इन सबसे परे होके चलते हैं आगे। तो भाई मैं साकेत आ चुका हूँ और स्पीडी को सलमान के साथ भेज दिया, सलमान के साथ जा रहा है वो। और मैं दिखाता हूँ तुम्हें सलमान कहाँ है। और दीपक आ रहा है अभी, अभी भी उसको टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी वो जस्ट घर से निकला है, तो थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा उसके लिए। देन उससे पहले हम जाके अभी लोकेशन वगैरह देख लेंगे। और क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा इस बाइक का? देखो राइट में बगल में इतनी खूबसूरत कपल्स चल रहे हैं और हम ऐसे इस तरीके से। तो फाइनली क्या बात है, क्या बात है, हमारे पहुँचते के साथ ही ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है हमें कि यार तुम रुको मत, जाओ जाओ जाओ। वीआईपी ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और ये वी गो, तो हम पहुँच चुके हैं खिड़की एक्सटेंशन पे। मिलने के लिए कहा था कि खिड़की 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 फौजरानी है ये खिड़की एक्सटेंशन, जो है आगे की तरफ हमें दिखेगा। ज़्यादा दूर है नहीं, यहीं पे पास में ही है। और यहाँ की भी यादें काफ़ी अच्छी है मेरी, आज भी है, तो वो चीज़ें जो है हमेशा याद आती रहती है। जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ, देखता हूँ लोगों को और इस तरीके से चीज़ें, तो याद आ जाता है वो चीज़ें, वो लम्हे, सारी चीज़ें। और खिड़की तो यही है, कहाँ है सलमान? तो भाई देख लो, स्पीडी, दीपक, सलमान यहीं पे खड़े हैं सारे के सारे। और ये जॉब से भाग कर आ रहा है, कह रहा था मुझे नहीं करना, ठीक है तेरे मैनेजर को भेजूंगा। तो हमारे स्वीटी भैया ऑलवेज रेडी रहते हैं, ठीक है कुछ भी हो यार, ये ना मास्क नहीं उतरता, नाइट में ब्लैक चश्मा लगाया तो छुट्टियां मत समझना, सो आई ऑलवेज कैरी ऑन, ठीक है। तो भाई अभी मैं यहाँ पे आया हूँ पैसिफिक मॉल, यहीं पे मेरा आज काम है, तो देखते हैं। और पीछे देख रहे हो मतलब इतना बढ़िया बढ़िया झूले है ना, इतने बढ़िया बढ़िया झूले हैं, तो मैं सामने से दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा मज़ा सा आ रहा है एकदम, जितना भी मतलब देखा ना मैंने एक तरीके से। और अभी देख रहे हो, एक बच्चे का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ जो अभी VFX का मज़ा ले रहा है, सामने VFX का मज़ा लिया जा रहा है बच्चे के द्वारा, और फुल इन्जॉयमेंट हो रहा है। इधर देखते हैं, सामने देखते हैं, यहाँ पे भी है, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये गाड़ी है छोटी सी, आगे पीछे करती है। सामने झूला वो जो दिख रहा है ना सामने वाला बड़ा वाला, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और यहाँ देखो, यहाँ
भी है, मतलब ये एक तरीके से फनलैंड है, एक तरीके से ना फनलैंड है, जिस तरीके से ये सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ देखो, देख रहे हो, मतलब क्या फेयर है यार ये बंदा, मतलब डर नहीं रहा, इसको डर नहीं लग रहा, इंजॉय कर रहा, फुल ऑन इंजॉय कर रहा है इसको। तो ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत बना रहा है ना इस जगह को। और सामने देखो तो स्पेसिफिक मॉल है पूरा, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, हर एक चीज़ कैंडी वगैरह है, एंट्री काफ़ी सही है, देख रहे हो, डर ही नहीं है भाई, बच्चे को डर ही नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मैं दिखाऊंगा कि मेरा इवेंट क्या है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें ए टू जेड, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज, और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सही जगह है ये ना, काफ़ी अच्छी जगह है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है देखने। तो बेसिकली मैं बता दूँ कि अभी क्या हो रहा है, पीछे जो भी आप देख रहे हो ना, ये सामान वगैरह जो देख रहे हो मेरे पीछे है, और ये मैं अभी स्पेसिफिक मॉल के अंदर हूँ, तो ये जो सेटअप बन रहा है पूरा ये जो बन रहा है वो इवेंट है यूट्यूब शॉर्ट के लिए, एक महीने का इवेंट है पूरा ये, और इसका देख रेख जो है मुझे करना है। तो आज फर्स्ट डे है, काफ़ी चीज़ें जो है मुझे बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। मेरे मैनेजर जो है लोकेश जी, वो मेरे साथ में ही है, और यूट्यूब शॉर्ट जब क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, पूरा सेटअप बैठ जाएगा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ तुम्हें सारी चीज़। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है सीरियसली, मतलब एक अलग सा फीलिंग आ रहा है कि काफ़ी अच्छी जगह पे आ गया मैं, जो ये चीज़ मुझे मिला अपॉर्चुनिटी। तो देखते हैं और बाकी क्या क्या देखने को मिलता है, जब एक तरीके का पूरा सेटअप स्टार्ट डन हो जाएगा। तो अप्रोक्स जो है अभी 12:30 बज रहे हैं, सुबह के 8 बजे तक ये फिनिश होना है, ए टू जेड जितने भी वॉक है, ए टू जेड जो है सुबह के 8 बजे तक फिनिश होना है। तो चलो मैं भी हूँ यहीं, आप भी हो यहीं, बने रहो। तो भाई अभी बज रहे हैं 4:15, जी हाँ 4:15 हो रहा है सुबह का, और इवेंट का काम जो है कंटिन्यूसली चालू है प्रॉपर तरीके से, आज 8 से 10 बजे तक रेडी करके देना है, उसके बाद प्रमोटर्स आएंगे, देन उसके बाद उनका भी मतलब सारी चीज़ें देखनी है मुझे। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये काम भी ना, मतलब एंटरटेनिंग है, बहुत मस्ती हो रही है सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिखाने पाऊँगा क्योंकि एक कंपनी प्रोटोकॉल होता है। तो ये है कि अभी जस्ट मैंने डिनर कह लो या अभी सुबह का ब्रेकफास्ट कह लो वो हैव किया है। तो चलो अंदर चलते हैं, और मज़ा आ रहा है मुझे कसम से, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। सिंपली ये है कि जब तक ये फिनिश नहीं होता, इवेंट स्टार्ट नहीं होता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा, और इवेंट वगैरह स्टार्ट होने के बाद ये शायद यहाँ से निकले। एक तरीके से ठीक ही है यार, देखा जाए तो पूरी नाइट लाइफ है, और अच्छा है कि मतलब सेटअप वगैरह सीखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें भी ऑब्जॉर्व करेंगे, ए टू जेड चीज़ बने रहो ब्लॉग में, और मिलता हूँ आपको मैं सीधा जब पूरा सेटअप हो जाता है प्रॉपर तरीके से, देन उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या हुआ है, क्या बना है। तो भाई देख रहे हो अभी मैं फ्री हुआ वहाँ से, और फ्री होते के साथ ही जो है मैं निकला घर। लेकिन हाँ ये भी कहा गया है कि अभी नाइट में 1-2 घंटे के लिए फिर से आना पड़ेगा टेकिंग केयर के लिए, वो चीज़ चेक करना पड़ेगा कि मतलब प्रॉपर तरीके से वॉक हुआ नहीं हुआ, सारी चीज़ें अपडेट्स वगैरह देखनी पड़ेंगी मुझे। तो मज़ा आ रहा है सच बताऊँ तो ना, काफ़ी मज़ा आ रहा है, और न्यू लाइफ है, न्यू जर्नी है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही सब फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एवरी वन जस्ट कॉल मी सर 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 सर, अलग ही लेवल मज़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पूरे इवेंट का जो इंटायर सुपरवाइजर से लेके एवरी वन ना, वो मुझे सर बोल रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं मैनेज कर रहा हूँ पूरा। तो ये अच्छी चीज़ है कि मतलब मुझे ये चीज़ मिली, और गज़ब ही लग रहा है। बहरहाल फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ, पूरी रात नहीं सोया, और कल पूरा दिन भी ऐसे ही गया है, तो जाहिर सी बात है कि थका तो होऊंगा ना यार, इसलिए जो है मैं फटाफट घर पहुँचूँ, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे वाकई में नींद की ज़रूरत है। लेकिन हाँ ये है कि एक चीज़ मैंने नोटिस करी, पता है क्या, कि जब मुझे काम होता है ना तो मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही काम ख़त्म होता है भाई साहब जो नींद आती है, तो उसी चीज़ में अभी फ़िलहाल मैं अटका पड़ा हूँ, और मन भटक सा रहा है सच बताऊँ तो, बिल्कुल ही मन भटक सा रहा है ना अभी ये,
मैं चाहूँगा कि फोकस करूँ मैं अभी राइड पे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई साहब फ्लाईओवर के नीचे आके ऐसा जो सुकून मिला ना, ऐसा सुकून मिल रहा है, लेकिन फिर वो ये धूप आते के साथ ही वो सुकून गायब हो जाएगा और वही चीज़ हुआ। तो ज़्यादा मैं ब्लॉग में बना नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा नहीं तो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और भाई घंटा बजा दो, घंटा बजाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मिलता हूँ मैं तुमसे जल्दी ही, बाय बाय, टेक केयर।